दर्द से परेशान, तो मात्र एक मिनट में पंडली दर्द से मुक्ति का राज सीखें। अब मैं आपको सिखाता हूं पिंडली के दर्द यानी काफ मसल की यूनिक टेक्निक। ये टेक्निक वो टेक्निक है कि अगर कोई तड़पता हुआ व्यक्ति कह रहा है मेरे तो पिंडलियां दुख रही हैं, मेरे को तो बस एक मिनट से पहले पिंडली परफेक्ट जानना चाहिए, आओ सिखाता हूं। सबसे पहले रोगी को ऐसे लिटाना और लिटाने के बाद चेस्ट के नीचे एक तकिया देना। तकिया देकर के ये वाला घुटना मोड़ना, एक पैर मोड़ना क्योंकि दोनों पिंडलियों में होता है, मोड़कर हल्का सा पिल्लो पर ऐसे रखना। ध्यान करना 90 डिग्री पर नहीं जाना चाहिए, तो ये 45 डिग्री पर ही रहना चाहिए ऐसा, और ये पूरा ऐसे रिलैक्स बन जा इस तरह से। फिर खड़े होना, किसी भी चीज की सपोर्ट लेना, बिना सपोर्ट के नहीं। एक पैर अपना यहां पास में रखना, दूसरे पैर को पिंडली पर ऐसे, ध्यान देना ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, पूरा पैर रखना, ये जो मिडल एरिया है ये रखना, और रखने के बाद हल्का इनसाइड नीचे प्रेशर दिया। ज्यादा देर नहीं, ज्यादा तेज नहीं जाना चाहिए। ट्रीटमेंट देते समय, प्रेशर देते समय खुद को भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा ट्रीटमेंट हमको देना है। और 2 से 3 सेकंड के लिए मात्र ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर देते हुए जाना। यहां हल्का प्रेशर देना, यहां थोड़ा अधिक प्रेशर दे सकते हैं, यहां भी थोड़ा अधिक दे सकते हैं, और यहां भी अच्छा दे सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जहां मसल्स कम हो जाती हैं वहां पर प्रेशर कम जाना चाहिए। अगर प्रेशर वहां भी ज्यादा होगा तो दर्द हो जाएगा, और खासकर बोन पर तो बिल्कुल भी नहीं। और यहां इस एंकल जॉइंट पर यहां तक हल्का प्रेशर दिया बस, और हल्की सी 2 से 3 बार 4 बार करने के बाद हल्की सी पैर से मसाज करना। और साथ ही इसका एडवांस टेक्निक में बताता हूं, जैसे मैंने इसमें दिया ठीक उस प्रकार दूसरे पैर में भी दे सकते हैं, और देना है जैसे इधर भी मैंने दिया, इस पैर को मोड़ा और बस, और वही सपोर्ट कुछ भी मैंने ली, सपोर्ट लेकर ऐसे खड़ा हुआ, और ये दोनों पैरों को बारी बारी से, लेकिन तरीका वही, पूरा पंजा एक साथ एक समान प्रेशर देने वाला बनना चाहिए, एक साथ एक समान प्रेशर देने वाला बनना चाहिए। ऐसा 3 से 5 बार 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 किया, और इसकी एक एडवांस टेक्निक में आपको बताता हूं। रोगी को सीधा लेटाना, और लेटाने के बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर देना, और अंतर देकर किसी चीज का सपोर्ट लेकर, बिना सपोर्ट लिए काम चलेगा नहीं। अपने ये जो एरिया है एड़ी पर इस तरह से, ये और ये ऐसे, दोनों एड़ी पर इस तरह से अपना वजन डालकर सपोर्ट के साथ खड़े होना, फिर छोड़ना और फिर खड़े होना, फिर 2 से 3 बार करके हल्के से प्रेशर इधर देते हुए पंजों और उंगलियों से प्रेशर देकर इधर ऐसे निकल जाने से पिंडलियों का दर्द, और इवन पिंडलियों का दर्द ही नहीं तो टांगों का दर्द एकदम ठीक हो जाता है। तो ये जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई है, यह न केवल पिंडलियों के दर्द को ठीक करती है, इवन एकदम टांगों के दर्द को भी तुरंत रिलीफ देती है। खासकर माता बहनों को पिंडलियों का दर्द बहुत कॉमन होता है, और क्यों होता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स में भी चेंजेस होते रहते हैं, खड़े होकर पानी पीने की आदत होती है, पेट भी बहुत बार खराब हो जाता है, मंथली साइकिल की डिस्टरबेंस के कारण भी पिंडलियों का दर्द होता है। तो पिंडलियों का दर्द हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी होता है, कारण कोई भी हो, इस प्रकार के ट्रीटमेंट से राहत मिलेगी ही, और 4-6 दिन और करने के बाद ये पिंडलियों का दर्द परमानेंट गायब हो जाता है। यानी पहले दिन में तुरंत रिलीफ,
थोड़े दिन करने के बाद एकदम गायब। इतनी यूनिक, इफेक्टिव, क्विक रिलीफ देने वाली यह टेक्निक है जो आपने सीखी है और आप इसे आजमाएंगे और खुद भी लोगों की ब्लेसिंग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।